चटपटा 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 होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमिकल सैमी। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे फाइनली 500 प्लस सब्सक्राइबर हुए हैं। धीरे ही हुए हैं पर हो रहे हैं। आई नो अभी दिल्ली काफ़ी दूर है, मतलब पहुँच ही जाएंगे दिल्ली धीरे धीरे, बट थैंक यू सो मच। इससे एटलीस्ट मुझे थोड़ी उम्मीद बन रही है कि शायद आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं। तो लास्ट के जो दो ब्लॉग थे वो हमारे किचन से ही शुरू हुए थे, तो आज का भी किचन से शुरू हो रहा है। पर मैं कुछ बनाने नहीं वाला, पर आज किचन में कुछ मुझे चीजें ठीक करनी। सबसे पहला काम जो है ये इस रैक को ठीक करना है जिसका बैलेंस हिल रखा है लाइफ का। इससे हमारा एक ग्लास ऑलरेडी टूट चुका है और इससे पहले बाकी ग्लास भी टूटे, इसका बैलेंस मेंटेन करा जाए। ये जो मिसिंग कंपोनेंट यहाँ से वहाँ से गायब हो गया, ये तो ठीक है पर इसका थोड़ा अलाइनमेंट ख़राब हो गया और यहाँ से तो गायब ही हो गया, तो ये मुझे रिप्लेस करने पड़ेंगे इससे पहले ये सारे ग्लास टूट जाए, क्योंकि शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। दूसरा काम है कि और हमने ये जो इसका कबर्ड का हैंडल था इसको हैंडल विद केयर नहीं करा तो ये निकल गया, तो इनको मुझे चिपकाना पड़ेगा, मतलब चिपकाना नहीं, मुझे फिक्स करना पड़ेगा। मैंने कोशिश करी थी पर वो जो नट था वो इसके साइज़ का नहीं था तो बार बार निकल रहा, तो ये मुझे या तो चेक करना पड़ेगा अपने टूल किट में अगर है कि नहीं, वरना लेके आता हूँ फिर शुरू करता हूँ। इससे पहले कि मैं ये वाले काम निपटाऊँ, पूजा की डिमांड आई है कि उसको नींबू पानी पीना है, तो पहले मैं नींबू पानी बना लेता हूँ क्योंकि गर्मी हो रखी है और नींबू पानी पीने से थोड़ी एनर्जी भी आएगी सबको, मुझको, इसको, उसको। तो कहाँ है निम्बोड़ा निम्बोड़ा निम्बोड़ा? तो एक नींबू तो मुझे फ्रिज से ऑलरेडी कटा हुआ मिला, क्योंकि नींबू आजकल गर्मी में ऑलमोस्ट एवरीडे यूज होते हैं, तो इसी को यूटिलाइज कर लेता हूँ, देखता हूँ कितना इससे जोर लगा के आयशा जीतेंगे हम। आयशा क्या ना आपने पीना है? आपने पीना? हाँ। क्या ना भी मुझे असिस्ट कर रहा पीछे कैमरा में वीडियो बनाने के लिए। पापा वैसे कैसा होता है? कैसा होता? कड़वा तो नहीं होता? हाँ? कड़वा तो नहीं होता? आपने पिया तो है नींबू पानी, कड़वा थोड़ी होता। अच्छा, इससे तो मुझे लग नहीं रहा एक नींबू से बात बनेगी, तो फिर हम डालेंगे दो। दो है, टू 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 हाफ नींबू से चल जाएगा। देखो मैं जोर लगा के क्या है जवान, जोर लगा के बहुत ही जोरदार परफॉर्मेंस के बाद मैंने नींबू को मसल के रख दिया है विद माय मसल्स। पापा हाँ, अब इसके बाद वो काम करोगे जो ग्लास टूटने वाला है शायद कोई खोलेगा? यस, वो भी करना है। बाकी मैं सोच रहा हूँ इसमें एक हमारे पास कोक चटनी सी पड़ रखी है, उसको थोड़ा सा डालता हूँ। ये तो बस जमे रखी है, थोड़ा इसको चटपटा करने के लिए। तो गाइस आपको वो बॉटल दिख रही है ना, ऑरेंज वाली और ब्लू वाली, वो ना न्यू बॉटल है। वो जो वहाँ पर ऊपर खड़ी हुई है ये वाली नहीं, जो पापा ने हाथ में पकड़ी हुई है वो वाली, जो ये वाली, ये थोड़ा सा चटपटा सा फीलिंग आएगी। चटपटा होता है। हल्का सा डालता हूँ टैंग, नींबू पानी कम प्लस टैंग हो जाएगा थोड़ा और। थोड़ा देना चीनी, मुझे पैकेट ढूंढना पड़ेगा। बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, अभी ले लेता हूँ थोड़ा सा। यम्मी। तो क्या का टैंक प्लस नींबू पानी रेडी है, ये लो, ये आप लोगों को मुंबा का उस ठंडा पानी है, ये लो, चलो जाओ जाओ जाओ। ये मेरा। इससे पहले मैं काम शुरू करूं, मैं देखो मैंने क्या खिचड़ी बनाई है नींबू पानी और टैंक की, उसमें कि मैंने चटनी भी डाली थी। पी
समझ में, जो थोड़ा मीठा वाला ज्यादा पसंद है। कुछ नहीं होता उसको पेट में मत डालना, थोड़ा और मीठे की होनी चाहिए थी कमी, मुँह खट्टा हो गया। तो अब मैं काम करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ पहले इसको निकाल लेता हूँ सारे सामान को, सेफ्टी रीजंस को मद्देनजर रखते हुए। तो पहले इसको खाली करें, फिर मैं एक बार ये भी देखना चाहता हूँ कि ये मुझे अगर मिल जाते हैं, अगर मैं इसको सीधा करता हूँ तो, या नए लगाने पड़ेंगे पीस, क्योंकि यहाँ से ये टूट ही गया है, ये देखो। तो मैं इसको फटाफट से खाली करता हूँ स्टैंड को। तो वो वाले ड्रॉर की तो मैंने फोटो निकाल ली है वहां से, ताकि मैं उसको दिखा दूं कि ये वाला चाहिए। इसका भी मैं ये सोच रहा हूँ एक नट निकाल के अपने साथ ले जाता हूँ, ताकि शॉपकीपर को इजी रहेगा दिखाना कि ये वाला साइज चाहिए, क्योंकि पहले भी मैं लगा चुका हूँ और वो ढीला हो रहा है, इस वजह से सेट नहीं हो रहा है। तो मैं जाता हूँ दुकान और लेके आता हूँ सामान। शो जो नट चाहिए थे वो तो मिल गए हैं, बाकी का सामान लिया जाए। तो मैं घर पहुंच गया हूं विद सम अदर सामान। तो जब तक मैं करता हूं फिक्स किचन, पूजा बनाएगी चिकन। एक टास्क तो हमारा हो गया है अकॉम्प्लिश, अब ये एकदम सेट है, हिलेगा भी नहीं। ये अंबुजा सीमेंट से नहीं, मैंने खुद जोड़ा है। थोड़ा और टाइट कर सकते हो? हाँ हो गया टाइट, मैंने अच्छे से कर दिया। ये बाकी नट्स भी मैंने कर दिए बीच बीच में ना। तो सबसे पहले मैंने इसलिए इसको कर दिया क्योंकि पूजा कर रही है, कुकिंग भी साथ में बन रहा है चिकन। तो ये जो ग्लासेस हमारे बड़े, इनको मैं ऊपर मूव कर देता हूँ ताकि थोड़ी स्पेस बन जाए। सो जो मैं नट्स लेके आया था वो थोड़े से लूज हैं, पर कुछ जुगाड़ से इसमें नैपकिन घुसा के फिलहाल पप्पू मिटनी ने अपना काम कर दिया है। और देखे पूजा ने क्या काम किया है, क्या कर रही है पूजा, उसका चिकन बना कि नहीं बना। अरे पूजा क्या कर रही हो तुम? मैं, मेरा भी हो गया रेडी, मसाला फ्राई हो गया। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, पप्पू मिश्री काम करके थक गया है, जल्दी जल्दी खाना बनाओ। माय वर्क इज डन। और गर्मी इतनी है, मैं थोड़ी देर करूं पंखे के नीचे रिलैक्स और फिर खाएं। तो ग्रेवी वहां दिख रही है, मेरे मुंह में भी थोड़ी पानी वाली ग्रेवी आ रही है। तो पूजा प्लीज जल्दी से मुझे रोटी दे दो। रोटी है? तो बाहर तो इतनी गर्मी हो रखी है, 42 डिग्रीज। मैं बैठे बैठे बोर हो रहा था, बाहर जाने का तो बिल्कुल मन नहीं है। तो मैंने निकाल ली है गेम, अपना पुराना एक्सबॉक्स, तो उसमें मैं खेल रहा हूँ फिलहाल असैसिन्स क्रीड। जो भी गेम लवर्स हैं उन्होंने ये गेम एक बार तो ज़रूर खेली होगी, एंड मुझे स्पेशली स्टोरी गेम्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब स्टोरी गेम्स, मुझे ऐसी स्टोरी गेम्स जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और मिशन जो पार करने में मज़ा आता है उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो इस छोटे से ब्लॉक को हम यहीं करते हैं ख़त्म। मैं गेम चालू करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉक में। सी यू देन, बाय बाय। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना।